हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी वाला वीडियो है साइक्लोन के ऊपर, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो चीज़ें हुई उस चीज़ों पर मैंने बात की है। आप लोगों ने नहीं देखा हो वीडियो तो आप जाकर देख सकते हो। अभी मैं बात करूँगी आगे की वीडियो पर, जो रेलवे स्टेशन पे बैठी थी उसके बाद के पॉइंट पे जो भाई की कहानी थी वो मैंने सारी सुना दी। अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, ठीक है? तो मेरे लिए सब गलत है, चाहे वो कोई भी हो इनके टब्बर का, मेरे लिए सब गलत है। मेरे को बार बार ये बात मत बोलो कि मैं किसी एक को फेवर कर रही हूँ और किसी एक को गलत बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे लिए दोनों गलत हैं। दोनों क्या, इनके माता पिता भी गलत हैं, क्योंकि इनके घर के परिवार का यही है कि पहले किसी के साथ रिलेशन बनाओ, उसकी लाइफ बर्बाद करो, उसका रिजल्ट निकालो, उसके बाद आप शादी के आगे की चीज़ें सोचो कि हाँ हमें करनी भी है कि नहीं करनी। मतलब इस तरीके का है। आपने टिश्यू पेपर देखा, वो सेम वाली टिश्यू पेपर वाली कहानी है इनके घर की। तो चलिए अब आती हूँ साइक्लोन पे। साइक्लोन छोटे से बच्चे के साथ, 4 साल के बच्चे के साथ, वो बोलती है कि बीमार है, तो मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को कि बीमार बच्चा है। 4 साल का बीमार बच्चा जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और उसे मार पीट के उस जगह पे मारा पीटा गया भाई के द्वारा। तो साइक्लोन जी भागी भागी रेलवे स्टेशन पे आ गई कि मैं घर जाऊंगी और हिसार आना है उन्हें। तो मैं ये कहूंगी कि इतनी गरीब और इतनी लीचड़ औरत मैंने नहीं समझा इसको, क्योंकि देखिए ये गरीब नहीं है, ना ही ये ना ही ये गरीब है, ना ही ऐसा है कि इसके पास पैसा नहीं है। चाहती तो ये वहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे रुक सकती थी वहाँ फ्लाइट लेके, और 1-2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जो भी लगते फ्लाइट में, या आराम से बच्चे को लेके घर आ सकती थी। क्योंकि ये जाते समय भी फ्लाइट से गई है तो उसको नॉर्मली पता था कि कैसे क्या करना है। ऐसा नहीं है कि पहली बार फ्लाइट पे बैठना था या डर लगता या कुछ ऐसा होता। जाने के टाइम पे भी ये फ्लाइट से गई थी तो आने के टाइम पे भी ये फ्लाइट लेकर आ सकती थी। सिर्फ फ़र्क ये था कि जाने के टाइम पे फ्री का सब कुछ था, वहाँ पर फ्री में इसको ले गए उठा के तो ये चली गई। लेकिन जब अपने पैसे खर्च करने की बारी आई तो इसने अपनी ज़िंदगी तक दाव पे लगा दी, उस बच्चे को दाव पे लगा दिया। पता नहीं कैसे से लोगों के साथ, आदमियों के साथ बैठ बैठ के ये आई है। तो वहाँ अगर ये चाहती तो ये वहाँ पर फ्लाइट लेके नॉर्मली एक इंसान के तरीके से भी आ सकती थी, जबकि इसको मालूम है कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो गलत थी। वहाँ पर हमने जो इसका लाइव देखा जब ये बिहार पहुँच गई थी, तो आप सब ने भी देखा और मैंने भी देखा कि किस कंडीशन में ये वहाँ बैठी हुई थी जनरल डिब्बे में। कितने सारे लोग, आदमी ही आदमी भरे हुए थे, और उस आदमियों के बीच में ये बैठ के आई है। उस समय जिस समय इसने लाइव किया था, इसका बच्चा भी किसी और आदमी ने पकड़ा हुआ था। और वहाँ लोग बोल भी रहे थे कि मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है या गलत दिख रहा है या कुछ ऐसा वैसा। वहाँ मैंने भी कम्युनिटी लगाकर बोला था कि बच्चे की सेफ्टी रखना, कहीं पता लगे तू सो गई और बच्चा गायब हो गया तो ये हरकत ना हो, तो ध्यान रखियो इस चीज़ का। तो ये चीज़ मैंने भी बोली थी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि इन लोगों को इतना लीचड़पंती कहाँ से है या क्यों है कि ये लोग अपने बच्चे को भी बिल्कुल दाव पे लगा देते हैं। चलो भाई ने जो किया किया, वो उसका मामा लगता है, उसने जो किया हमने सुन लिया समझ लिया, गलत था गलत बोला भी। लेकिन इसने खुद ने क्या किया, ये खुद अपने बच्चे की सगी नहीं है, इसने क्या किया? आप लोगों ने देखा बच्चे की पूरी लाइफ दाव पे लगा दी, किसी भी रेलवे स्टेशन पे चढ़ गई और वहाँ से भागने के लिए 2 दिन पूरा ट्रैवल करके आई है। जिस बाद में इसने जिस जगह पे स्लीपर वाला बस ट्रेन दिखाया रेलवे स्टेशन पे, इसने ट्रेन में दिखाया कि स्लीपर वाला ले लिया इसने सीट, वहाँ पर भी आदमी ही आदमी थे, कोई औरत नहीं दिखी मुझे। तो मुझे लगता है कि इसको प्लेन से भी आ सकती थी ये, कोई बहुत बड़ी फ्लाइट लेकर भी आ सकती थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसने अपने वीडियो में खुद बोला जो 15,000 की फ़्लाइट लेनी थी उससे अच्छा मैं 1,000 रुपये में घर आ गई। तो मतलब इतने गंदे लोग हैं ये, इनको सिर्फ पैसों से प्यार है, इनको अपनी ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है। 15,000 रुपये ये 5 दिन में कमा लेती है, 6 दिन में, ज़्यादा ज़्यादा एक हफ्ते में ये 15,000 कमा लेती है। और अगर एक हफ्ते की कमाई अगर ये फ्लाइट में लगा भी देती, अपनी जान बचा लेती और शांति से घर आ जाती, 4 वीडियो एक्स्ट्रा डाल देती, तो मुझे लगता है कि वो पैसा वापस आ जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
है ना। लेकिन इसको खुद को भी परवाह नहीं है अपने बच्चे की और अपनी, क्योंकि इनको हर जगह ना संपत्ति गेन करना है, इनको ये दिखाना है कि देखो हम कितने गरीब हैं और हमारे भाई ने कितना अत्याचार किया, हमें वहाँ रोड पर पटक दिया, और उसको बुरा दिखाने के लिए इसने अपनी इज्जत और अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी और अपने साथ साथ अपने छोटे से बच्चे की भी लगा दी। भगवान ना करे वहाँ पर कोई कांड हो जाता इसके साथ, क्योंकि अभी आपने कोलकाता वाला सीन सुना ही है, जब डॉक्टर तक को लोग नहीं छोड़ रहे, तो ये तो फिर भी क्या ही बोलूँ, ये खुद ढोल बजा रही थी वहाँ ट्रेन में बैठ के, मेरे भाई ने मुझे मारा पीटा, मेरे जान पे हमला हो रहा था, तो मैं भागी हूँ वहाँ से, मेरा कोई सपोर्ट में नहीं है, ना ही मायके वाला ना ही ससुराल वाला, तो ये तो खुद ढोल बजा रही थी। तो वहाँ पर जितने लोग बैठे थे उसमें से किसी को भी कोई फ़ायदा उठाने में देर कोई लगती, कोई भी फ़ायदा उठा सकता था इसका। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि मुझे नहीं समझ में आया कि इतनी गंदी और गिरी हुई हरकत ये कैसे कर सकती है। गिरी हुई तो ये शुरू से, इतना तो मुझे पता है, लेकिन वो जो सिर पे ढोआ ढाई करती हैं बोझा लेके, वो चीज़ एक अलग है, ये चीज़ तो बहुत ही अलग थी। लेकिन इतनी ख़तरनाक चीज़ भी ये लोग कर सकते हैं, आप सोचो। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि सौ सौ चीज़ें मतलब बेच के खा जाएगी, ऐसा कुछ लाइन बोल रहे थे कि आप बिना मतलब इस पर संपत्ति दिखा रहे हो, ये ऐसी है कि 100 लोगों को खड़े खड़े बेच के खा सकती है, यही बोल रहे हैं लोग। तो मैं कहूँगी कि आप लोग सही बोल रहे हो इस चीज़ में, मैं आप लोगों को गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये हरकत ऐसी करती है तभी आप लोग ये बात बोलते हो, और आप लोग गलत नहीं हो कहीं ना कहीं। मेरे दिल में फिर भी आ जाता है एक बार को कि औरत है, संपत्ति है, 4 साल का बच्चा छोटा सा है, बीमार है, उसकी जगह पे खड़े होकर मैं अपने बारे में भी सोचने लगती हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसी कंडीशन होती तो मैं बहुत बुरी फंस जाती। तो कहीं ना कहीं मैं दूसरे की जगह पे अपने आप को रख लेती हूँ, तो शायद मेरी भी बहुत चीज़ की गलती है कि मैं दूसरों को की जगह पे अपने आप को खड़ा करके समझती हूँ और अपने दिमाग से सोचती हूँ कि यार मैं तो बहुत बुरे फंस जाती, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये फंसने वाली औरत नहीं है, तो दूसरों को फंसाने वाली औरत है, इसने जानबूझ के ही ये सब किया है, ये चीज़ तो दिखाई दे गई। क्योंकि ये जो बोल रही है ना बार बार कि मुझे पता नहीं था, तो फिर भी सोचो ये आ गई, और दिल्ली में आने के बाद भी इसने होटल लेना सही नहीं समझा, क्योंकि इसको पता है वहाँ पे 1500 रुपये खर्च हो जाएंगे, तो इसको ये लगा कि मैं घर पहुँचती हूँ। और घर पहुँचने के बाद भी ये 12 बजे 11 बजे लाइव थी, लाइव में भी वही कपड़े पहन के बैठी थी जो 4 दिन 3 दिन से इसने पहने हुए हैं, मतलब जब से इसने ट्रैवल स्टार्ट किया है तब से वही कपड़ों में है, और खुद कह रही है कि मुझे स्मेल आ रही है अपने कपड़ों में से, ये हो रहा वो हो रहा है। लेकिन इसने घर जाके भी ये नहीं समझा कि मैं 10 जगह बैठ बैठ के 10 जगह से घूम फिर के आई हूँ इतनी गर्मी में, चलो एक बात ले लूँ और उसके बाद जाके फ्रेश होके थोड़ा सा बैठूँ घर पे। नहीं, ज़रूरी नहीं है इनके घर में, इनके घर में सिर्फ संपत्ति गेन करना ज़रूरी है, गंदगी दिखाना ज़रूरी है, और वही गंदगी ये दिखा रही है। वीडियोस में कोई गंद जूसी नहीं हो रही, वीडियोस भर भर के आ रहे हैं, चाहे भाई जो है इनका वो वेंटिलेटर पे पड़ा है, उसको डॉक्टरों ने क्लियर जवाब दे दिया है कि भैया ये अभी बिल्कुल बुरे कंडीशन में है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो इनके घर में कोई भी हो, है ना। माता पिता भी पिकनिक पे गए हैं, वो कुछ दिनों में पिकनिक से वापस आ जाएंगे और देखने को मिलेगा हमें, है ना। तो यही था अभी का वीडियो, उम्मीद करूँगी कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगा, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।